तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, और आज हम जो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, इस पर जो है हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, उसमें का कुछ टॉपिक छूट गया था। तो आज स्टार्ट करते हैं कि दो अगर वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट हम करते हैं तो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, इसके वीडियो इसके बारे में तो पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज भी जो है हम देखेंगे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। पिछले वीडियो हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता था, और अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है कैसे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर का सारा जो वीडियो है पहले ही अपलोड हो चुका है, और बाकी के चैप्टर्स के भी पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं 3, 2 और बाकी जो चैप्टर उसके भी वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। तो आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। हर टॉपिक आपके लिए अवेलेबल है, लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, क्वेश्चंस जो है इस पर कुछ अगर आप उसका क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज पवन कुमार तिवारी, और मेरा जो है प्यारा सा सुंदर अच्छा सा जो चैनल है पवन सा साइंस 0066। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर में पढ़े थे, आपको याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करते थे। हमने बताया था कि यदि एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट हम बात करते हैं, वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है आपको पता है कि वो वेक्टर होता है। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर आर वेक्टर। इसके बाद हमने देखा था कि वेक्टर एंड वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा स्केलर आया था, इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया गया था। वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, पिछले वीडियो में आपने ये देखा था। ठीक, तीसरा जो हमारा है वो होता है, आज जो हम लोग को पढ़ना है, वेक्टर एंड वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। इसके बारे में आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि कैसे जो है वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे वीडियो में चर्चा कर लिया था, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने क्या चर्चा किया था, इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने कर लिया था कि अगर कोई एक ए वेक्टर हो और उसके साथ बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जो थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या होता है, बीच का एंगल होता है। ये जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा कर चुके थे। ठीक, इसके बाद इसका एंगल निकालना रहता था, तो हमने क्या बताया कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाई में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है। ये भी हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो वेक्टर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर होता है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें जो है इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। वो कितना होगा, ठीक, तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यदि आपके पास दो वेक्टर हो, ये एक वेक्टर हो ए और एक वेक्टर आपके पास बी हो, इन दोनों का अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और ये लगा देते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये एन कैप जो होता है एक प्रकार का यूनिट वेक्टर होता है। जब भी किसी हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, जब भी किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करना रहता है, तो उसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं। चूँकि स्केलर में हमने इसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, हर वेक्टर का अपना एक डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ यूनिट वेक्टर लगाते हैं, और इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन कंटेनिंग ए और बी, ए और बी को कंटेन करने वाला जो प्लेन होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ये प्लेन जो है इस प्लेन में, ए इस डायरेक्शन, बी इस डायरेक्शन में, तो इस प्लेन को कंटेन करने वाले वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, इस यूनिट वेक्टर होता है। ठीक ना, तो यूनिट वेक्टर जनरली वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्केलर में नहीं करते हैं, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है कोई। वेक्टर को, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब भी हम इसके वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं वहां पर इसे था यूनिट वेक्टर लगाते हैं। बहुत इसका बड़ा लॉजिक नहीं है, हर किताबों में लिखा रहता है। हाँ, बस इतना ही आप जानते रहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और इसका जो डायरेक्शन होता है ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो चूंकि अब जब ये वेक्टर, जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया ये ए वेक्टर हो, ये सपोज दैट ये मेरा ए वेक्टर हो, ठीक ना, ये मेरा, ये विदाउट कैप वाला ए वेक्टर है और कैप वाला मेरा बी वेक्टर है। ठीक ना, अब इन दोनों प्लेन को रखा जाए ऐसे, तो जो यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और इसके नीचे भी हो जाएगा। जैसे जो यूनिट वेक्टर होता है दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला जो प्लेन बनता है उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक, अब चूंकि ये ए क्रॉस बी जो है हमारा, जो हमने ए क्रॉस बी निकाला, उस ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन अगर मुझे पता करना हो, इसका डायरेक्शन जो होता है हमारा, इस ए क्रॉस बी को ही हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक ना, जो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और इसका ए वेक्टर और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वही होता है जो यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर होता है प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, और इसका डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड स्क्रू रूल से दे सकते हैं, और इसका डायरेक्शन वही होता है जो एक डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी भी सेम ही होता है जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यानी अगर कोई प्लेन हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये वेक्टर ले लिया, ये ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लिया, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मेरा ये होगा, और यही डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी का भी। ठीक, अगर मेरा ये वेक्टर हो, ये ए वेक्टर है, सपोज दैट ये ए वेक्टर हो और ये आपका बी वेक्टर हो, ठीक ना, अगर ये बी वेक्टर हो और दोनों जो हमारा एक ही पॉइंट से निकला हुआ हो, तो यहाँ पर अगर हम इसका एक प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा मेरा, ए क्रॉस बी का, वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यही जो होगा मेरा यूनिट वेक्टर का भी, इस यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन वही होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है, और ये क्रॉस बी का भी डायरेक्शन होता है जो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर मेरा, अब यहाँ पर देखिए प्लेन क्या है, इस तरह आ रहा है, आप सोच रहे होंगे सर आप यहाँ पर तो ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला प्लेन इस तरह नहीं, ये वाला प्लेन इस तरह है, देखिए इस तरह प्लेन है, तो अब इसके हम परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर थोड़ा होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक ना, इसलिए जो व्हाइट बोर्ड है उसका परपेंडिकुलर ए और बी का जो प्लेन देखिए यहां पर है ना, ये दो वेक्टर को ऐसे रखा गया है, अब इसका प्लेन क्या बनेगा, ये आपका प्लेन बनेगा, तो अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर ही आएगा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर इधर खींचना संभव नहीं है, इसलिए क्या होता है, इसको ऊपर दिखा देते हैं हम कि परपेंडिकुलर है, तो लेकिन अगर वही प्लेन इस तरह हो जाए, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा, तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कब ऊपर होगा कब नीचे होगा, कैसे हमें पता चलेगा इसका डायरेक्शन, हमें कैसे पता चलेगा ए और बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमें पता करना होगा, तो राइट हैंड स्क्रू रूल्स के द्वारा हम निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल कह सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल्स के द्वारा इस वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बट यहां पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ए और बी का डायरेक्शन किधर होगा, दो वेक्टर अगर ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो, दोनों वेक्टर ए हो, तो इन इसका डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड करना हो, इन दोनों का डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड करना हो, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह में क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, और इसी वेक्टर को अगर हम इस प्लेन में रख देते हैं, कॉपी के प्लेन में, अगर अपने बुक के प्लेन में अगर ऐसे रख देते हैं, यहां
यहाँ पर एक वेक्टर हो, यहाँ पर एक वेक्टर हो, दोनों को इस प्लेन में रख देते हैं तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे की तरफ, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ऊपर की तरफ। जो वेक्टर हमारा बनेगा वो क्या होगा, मेरा प्लेन के परपेंडिकुलर एक राशि बी का डायरेक्शन हो जाता है। ठीक, अब इस एक राशि बी के डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल के अनुसार हम फाइंड करते हैं कि ए बी का डायरेक्शन कैसे होगा। जैसे सपोज दैट कि मैंने ये ए वेक्टर ले लिया, ठीक, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, सॉरी ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक, किसी को ये भी ले सकते हैं। ठीक, मैंने बिना कैप वाला ए वेक्टर और ये बी वेक्टर ले लिया और इसको मैं परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड निकालेंगे, ये ए वेक्टर है, ठीक, ये बी वेक्टर है, हम राइट हैंड से निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे। देखिए कहाँ हम ए से बी जा रहे हैं, ए से, जैसे इस पहले इसको समझ लेते हैं, ए से कहाँ, ए से बी जा रहे हैं, ठीक ना, हाथ को कल कर ऐसे भी, तो हमारा अंगूठा किधर दिखा रहा है, इधर की तरफ, मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक, जैसे इसमें समझते हैं क्या, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, हम क्या करेंगे यहाँ ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, मुड़ गया कि, तो हमारा अंगूठा किधर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब ये एक क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। और अगर हमको बी से आना होगा तो प्लेन मेरा बी है, अभी इसको ऐसा करेंगे तो अंगूठा मेरा ऐसे नहीं मिला, अभी परपेंडिकुलर मेरा ऐसे ही होगा, ये होगा ये, ठीक ना, क्योंकि इधर उल्टा पड़ा, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। तो अब बी से ए की तरफ आएंगे, इधर की तरफ, तो अब उस समय मेरा थंब किधर है, नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, और इसके परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। तो इस तरह हम ए और बी का जो डायरेक्शन है हम राइट हैंड थंब रूल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे अगर मुझे क्या, सपोज दैट ये ए वेक्टर हो, फिर देख लीजिए एक बार, ये ए वेक्टर हो, ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ, ए है, ए से बी की तरफ जाना है। आप कहोगे सर इसमें तो आप अंगूठा बाहर आ रहा है, इस वाले में अंगूठा आपको ऊपर आ रहा है, क्यों, ये प्लेन इस तरह है, ये वाला एंगल इस तरह बना हुआ है, देखिए इस वाले, तो अगर इसमें हम करेंगे तो फिर अंगूठा मेरा बाहर आ जाएगा, ऐसे ए से बी जाएंगे, तो क्यों, ये वाला प्लेन क्या है, ये प्लेन है ना, ये प्लेन दूसरा है, ये प्लेन दूसरा है, इसमें प्लेन इस तरह बन रहा है, इसमें प्लेन इस तरह बन रहा है ना सर, तो इसलिए बट कभी भी होगा क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से हमें फाइंड करना होगा ए से बी, तो अंगूठा ऊपर की तरफ दे रहा है, मतलब कि इस ए वेक्टर का जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन क्या होगा, वही हो जाता है, परपेंडिकुलर ही हो जाता है। और अगर मुझे बी से ए आना हो, ये बी वेक्टर हो, बी से ए आना हो, तो क्या होगा, ये थंब नीचे की तरफ शो कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह हम ए क्रॉस बी का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब स्क्रू रूल से हमें देखना है, स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, ठीक, चलिए एक क्रॉस बी है, ठीक, दो मैंने वेक्टर ले लिया। अब देखें स्क्रू रूल में क्या, मुझे किधर जाना है, ए से बी की तरफ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि क्लियर होगा, समझ में आएगा, ठीक ना, ऐसे मैंने ले लिया वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है ए से बी की तरफ, हमें जाना है ए से बी की तरफ जाना है, ठीक, ए से बी की तरफ जाना है, तो ए से बी की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, ए से बी की तरफ, तो हम इसको किधर, अगर घुमाना होगा तो हम इसको इधर करेंगे, तभी तो भाई इधर घुमाएंगे तभी तो ए से बी होगा, क्योंकि इधर घुमा कर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बी से ए हो जाएगा, तो हमें जाना है ए से बी, तो ए से बी जाना है तो इसको क्या करेंगे, ए से बी जाना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट कर, देखिए क्या आ रहा है, ये मार्कर मेरा ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और आप थंब रूल में भी देखे थे कि ए से बी जा रहा है, ऐसे मोड़ कर, तो मोड़ते हैं ए से बी, तो हमारा क्या परपेंडिकुलर ही दिखा रहा है, ठीक ना, तो इस क्या हुआ, स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें बी से आ जाना है, बी से ए आना है, तो क्या होगा, मेरा अंगूठा नीचे की तरफ दिखा रहा है, ये राइट हैंड थंब रूल है। और स्क्रू रूल से देखेंगे तो बी से ए के लिए क्या होगा, इसको अब इस डायरेक्शन रोटेट करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इसको जो हमें रोटेट करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, इसको करेंगे नहीं, अगर मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे ऐसे है, ए है, ये बी है, और अगर मुझे जाना हो कहाँ, बी से आना है तो बी से ऐसे रोटेट करेंगे, बी को इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा, देखिए मेरा अंदर जा रहा, और नीचे की तरफ जा रहा, और नीचे की तरफ जा रहा, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बी से ए जाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह जो है ए और बी के हम डायरेक्शन के क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या फिर जो है राइट हैंड स्क्रू रूल्स के द्वारा जो है हम ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। बट आप इतना जानते रहिए कि दो वेक्टर का जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड साइन, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो, यहाँ पर एंगल अगर हम थीटा कह देते हैं, तो इन दोनों के बीच के साइन थीटा के क्या होगा, एंगल के साइन के जो है इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल, और यूनिट वेक्टर लगता है, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन दोनों के क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक ना, तो अब हम इसमें थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया है वेक्टर ए, ये मैंने वेक्टर ए ले लिया,
और ये हम ले लिया वेक्टर बी ले लिया, ठीक। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक। यहाँ से मैंने ड्रा कर लिया पैरेललोग्राम, ठीक। अच्छा ये ओ ए वेक्टर है और ये ओ ओ बी वेक्टर है, दो वेक्टर है, ठीक। तो अब ये जो मेरा वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर सपोज करते हैं, हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया, एल ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। चूँकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या, तो वन के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर वन भी ले सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या हमारा साइन थीटा, साइन थीटा के बराबर होगा। अब ए ए वेक्टर का क्या है, ओ ए है ना, ओ ए, तो हम लिख सकते हैं ओ ए। बी वेक्टर क्या है, मतलब ये बी क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, ओ बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ओ बी। और इसमें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा हो जाएगा बी एल बाई में क्या हो जाएगा, ओ बी। तो साइन थीटा की जगह हम रखते हैं अगर बी एल बाई ओ बी, तो ओ बी से ओ बी चला जाएगा, हो जाएगा ओ एल ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एल। और ओ ए क्या है, बेस है, ओ एल क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको पता है कि एरिया पैरेललोग्राम अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होगा। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया बेस है, ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया, मतलब ये क्या बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ओ सी कह देते हैं, ए ओ ए सॉरी ओ ए सी बी। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या, ए ओ ए सी बी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर आ रहा है जिस पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड वही दोनों वेक्टर है जिसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। नहीं बात समझ में आया, चलिए फिर से सुनते हैं। ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है जिस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड वही दोनों वेक्टर है जिसका मैंने ए क्रॉस बी निकाला है। देखिए जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, इसका क्या है, एक वेक्टर, एक इस साइड के अलांग मैंने ए वेक्टर ले लिया और इसके एडजेसेंट साइड के अलांग मैंने बी वेक्टर ले लिया ना। और ये दोनों वेक्टर क्या है, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसी एरिया के बराबर क्या है, ए क्रॉस बी के बराबर है। अरे भाई ऐसे समझिए ना, मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक पैरेललोग्राम ऐसे, ठीक ना, और मैंने इस पैरेललोग्राम को ले लिया, लेने के बाद मैंने ये पैरेललोग्राम ले लिया, ये हो जाएगा ओ ए बी सी, और मैंने एक वेक्टर ले लिया ओ इसमें और एक वेक्टर ले लिया ओ बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये दोनों एडजेसेंट साइड थोड़े हैं, ये क्या है, ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें एडजेसेंट साइड लेना है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यानी हमें जो दोनों वेक्टर लेना था ये वेक्टर, वो दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड में नहीं लेना है, हमें इसके एडजेसेंट साइड एक वेक्टर को इधर लेना है, तो एक वेक्टर को बी वेक्टर को इधर लेना है। पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड में एक साइड में ओ ए को ए वेक्टर को लगा देंगे, दूसरे साइड में क्या करेंगे, बी वेक्टर को लगा देंगे। इसके बाद जो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा वो जो इस ए क्रॉस बी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही मैंने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाई टू वेक्टर एज इट्स एडजेसेंट साइड। दो वेक्टर को उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर बना है जो पैरेललोग्राम फॉर्म किया गया है उन्हीं दो वेक्टर के एडजेसेंट साइड से। इस वेक्टर का, इस पैरेललोग्राम का एक वेक्टर ये और इसका एडजेसेंट साइड क्या है, बी वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है, इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। और जो पैरेललोग्राम बनता है इन दोनों वेक्टर के एडजेसेंट साइड से, जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो जो होता है ए क्रॉस बी के क्या होता है, इक्वल होता है।
बात समझ में आया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो है पैरेललोग्राम के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। कल हमने देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के क्या क्या, फर्स्ट नंबर वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉमोटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट जो है एंटी कॉमोटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होते हैं, कॉमोटेटिव होते हैं। यानी आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बट कुछ ऐसा जो है स्केलर प्रोडक्ट में अरे वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमें यहाँ वेक्टर, सपोज दैट आपको ये ए वेक्टर दिया हो और ये बी वेक्टर दिया हो, ठीक ना, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपको थीटा हो, ये ओ हो, और आपको निकालना हो ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंगल, ऐसा होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा मिल सकते हैं। अब सपोज दैट यही दो वेक्टर हो और इसके एंगल को हम जो है, अब हम पहले तो ए से बी जा रहे थे ना, कितना ऐसे जा रहे थे पहले हम ऐसे बी, तो जो परपेंडिकुलर था मेरे इस तरह में था ए क्रॉस बी, ये जो इसका इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड क्या था, परपेंडिकुलर था प्लेन ऑफ द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर था। अब हमें क्या आना है, बी से ए आना, ये बी वेक्टर है बी से ए आना ऐसे, तब क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ना, हमें चलना है कहाँ, बी से ए के पास। तो उस समय जो थीटा होगा उसको हम लिखेंगे माइनस थीटा। मैंने आपको पोलर वाला चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था, अरे ये ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एंगल को अगर एंटी क्लॉक वाइज लेंगे तो पॉजिटिव, अब क्लॉक वाइज मेयर करेंगे तो नेगेटिव कर देंगे। इसके बीच का एंगल क्या है, माइनस थीटा। उस समय अगर हम निकालते हैं क्या, बी क्रॉस अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर हम निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ऐसा कुछ होगा। और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी ए साइन थीटा होगा और ये हो जाएगा ए बी, सॉरी क्योंकि थीटा की जगह क्या है मेरा यहाँ पर माइनस थीटा है ना, तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस थीटा जब हम यूज करेंगे। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये नेगेटिव जो है सामने आ जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस बी ए साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा। ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो है बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये जो है ए बी साइन थीटा है और ये जो है माइनस ए बी साइन थीटा आ रहा है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं ए प्रोडक्ट जो होता है एंटी कॉमोटेटिव होता है, यानी ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, या इक्वल टू की साइन अगर लगाते भी हैं तो माइनस लगा के बोलेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरह जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जो है एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर मैं लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। इस तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक। नेक्स्ट, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड जो है जीरो के बराबर होता है, है ना। तो अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, जैसे सपोज दैट ये एक वेक्टर ए वेक्टर हो और इस दो वेक्टर ये बी वेक्टर हो, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। एंटी पैरेलल की बात कर रहे थे, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो पहले पैरेलल कैसे लेते हैं इसके बाद इसको देखेंगे। मान लीजिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, सपोज दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप होगा। ये ए वेक्टर के बराबर, ये बी वेक्टर के बराबर साइन, चूंकि इसके बीच का एंगल कितना होगा जीरो डिग्री होगा, कोई एंगल नहीं बन रहा है। आप साइन जीरो रखेंगे तो आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसलिए अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मेरा जीरो के बराबर होता है। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं अगर इसके हम पैरेलल एक वेक्टर खींचते हैं, पैरेलल तो हमारा ऐसे भी हो सकता है क्या मेरा इक्वल है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180, हां। तो 180, अब यहां पर अगर हम 180 भी लिखते हैं ना, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन अगर हम 180 भी करते हैं तो क्या होगा हमारा साइन 180 की वैल्यू बताइए, नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। अरे आप जीरो, हाँ जीरो तो होगा, ये तो है, क्या होगा यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर साइन जीरो कोस जीरो सब मिला के क्या हो जाएगा जीरो होगा। जैसे आपको पता है क्या होता है साइन 90 प्लस 90 कर सकते हैं इसको, तो साइन 90 प्लस थ्री किस में जाएगा सेकंड में, सेकंड में जाएगा क्या होता है सेकंड में सिर्फ साइन का साइन कोसेक पॉजिटिव होता है ना आपका, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या आता है जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होता है ना, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, इसलिए इसके भी 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे जीरो आ जाएगा, है ना सर। जिस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, सोचने वाली बात नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मेरा जीरो के बराबर होता है, ठीक। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अगर ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, किसी को ए भी ले सकते हैं, इसके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस अगर बी वेक्टर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप ए बी साइन 90 होगा, और इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 1 के बराबर होगा, ठीक। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे मतलब एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें इटसेल्फ, नोट करिए तो बताते हैं इसे, उसके साथ इटसेल्फ निकले हैं, यदि ए वेक्टर का ए वेक्टर के सॉरी ए के साथ हाँ ए वेक्टर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का साइन एक किसी वेक्टर का इटसेल्फ के साथ एंगल क्या होता है जीरो डिग्री का होगा, या साइन जीरो थीटा के जगह जीरो रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए और साइन जीरो का वैल्यू जीरो यानी क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो मेरा मैग्नीट्यूड बनेगा क्या जीरो के ही बराबर होगा। हाँ जीरो वेक्टर लगाना जरूरी है क्योंकि आप हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर स्केलर वाले में जीरो आएगा तो जीरो भले हम ना कहें लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे ये मेरा जीरो वेक्टर बोल सकते हो, उसे आप जीरो लिखेंगे लेकिन जानते रहिए क्या है जीरो वेक्टर है, ठीक।
दूसरा चीज, जैसे सपोज दैट हम निकालते हैं ये आपका थ्री एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, अरे एक्स एक्सिस, हाँ जेड एक्सिस है, ठीक। इधर यूनिट कैप क्या हो जाएगा आई, इधर जे और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग के आपको फाइंड करना है आई क्रॉस जे। तो क्या लिखेंगे, आई बैक, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा वन, ये भी आपका वन, वन वन होगा दोनों, और साइन थीटा की वैल्यू भी वन हो जाएगी आपका, पता नहीं वन, और यह जाएगा यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अरे इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा ना, तब साइन थीटा की डायरेक्शन देखते हैं हम कहाँ से गए हैं, आई से लेके जे, आई से लेके जे के पास, तो किस डायरेक्शन से शो कर रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब जेड की तरफ। जेड क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसे है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे बंधा ना तीनों, एक्स वाई जेड, वाई जेड वाला प्लेन पर सामने बनाना पॉसिबल नहीं है, हमने मान लिया कि ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड, और इस प्लेन से हम कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं ना एक्स से, एक्स से जा रहे हैं वाई की तरफ, तो अंगूठा किधर शो कर रहा है, जेड, जेड के पैर ले लेना, तो जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है के, तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप हो जाएगा। बात समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये आप याद रखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्या, जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर आई साइन थीटा एन कैप, ये वन, ये भी वन, ये भी वन हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा मेरा एन, एन का डायरेक्शन देखते हैं हम, एन का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक। देखिए कहाँ से हमने चला, जे से वाई, अरे जे से के की तरफ, तो ये क्या है, हाँ थोड़ा ऐसे है ना, ऐसे ये जे है और ये के है, जे से हमने के की तरफ आया है ना, जे से के की तरफ, तो किधर शो कर रहा है, अच्छा जे कैप के, ये भी निकल जाएगा, जे कैप आई भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, जे से आई की तरफ निकालेंगे ऐसे हम, चले जे पहले जे, जे के निकालते हैं, ठीक, तब आई निकालेंगे, बस अंतर इतना ही होगा कि नेगेटिव लग जाएगा, ठीक ना, ये भी निकल जाएगा, पहले के निकालते हैं तो फिर भी निकालते हैं, ठीक। जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के निकालेंगे तो जे यूनिट वेक्टर वन, के भी यूनिट वेक्टर वन, और ये यूनिट वेक्टर इस जेड को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो क्या बनेगा मेरा, जे से के की तरफ, ये जे है और जे से के की तरफ हमारा ऐसे है ना, तो जे से के आएंगे तो के किसके जाएगा, आई जाएगा, तो हम लिख सकते हैं जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ये बनेगा हमारा। बस समझ में आया, नेक्स्ट हम देखते हैं के क्रॉस, के क्रॉस आई, हाँ के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के कैप आई मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप और आई कैप साइन थीटा, ऐसे करेंगे इसकी वैल्यू वन, इसकी भी वन, सब मिला के यूनिट वेक्टर ये होगा। अब देखेंगे हमारा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा, हमने किधर गया, के से गया ना, ये क्या है ऐसे होगा, ऐसे ये के है, ठीक, के से हमारा किधर, के से आई की तरफ, देखिए के है, के से हम आई की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, ये के वेक्टर है, के से हम किधर मोड़ रहे हैं, ये मेरा के वेक्टर है, इधर आई की तरफ ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं, तो किधर जा रहा है ये, जे के पैरेलल, परपेंडिकुलर जा रहा है ना जे के पैरेलल, तो क्या हो जाएगा ये के क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो ये बन जाएगा मेरा इस तरह, ठीक। तो क्या आपका रिजल्ट बना,
यहां से आई क्रॉस जे स्कल टू के, जे क्रॉस के स्कल टू आई, और के क्रॉस आई स्कल टू जे। तो ये जो है जनरली आप क्या करेगा इसको याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका एंटी वाले भी करेंगे तो बस माइनस लगेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी माइनस का साइन लगता है, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के क्रॉस आई करेंगे तो माइनस जे, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हम रिवर्स करेंगे, नेगेटिव साइन भी आप साथ ही साथ लगाते चलिए। जे क्रॉस आई स्कल टू माइनस के क्रॉस जे स्कल टू माइनस आई। अब इसका हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, आई क्रॉस के स्कल टू माइनस जे, ऐसा होगा। इस तरह था इसलिए पॉजिटिव था, कौन सा जो बताया तो परपेंडिकुलर इस तरह, ये इधर का है तो क्लॉकवाइज, हाँ उधर जाएगा तो एंटी क्लॉक, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज इसका भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ हम, क्या होगा अगर आप आई क्रॉस आई निकालिएगा तो एक मतलब आई यूनिट वेक्टर का उसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका, फिर इसका मैग्नीट्यूड और साइन इसके बीच का जीरो एंगल होगा एन, तो क्या हो जाएगा वन वन, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो आएगा, आएगा ना। आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो। उसी तरह जे क्रॉस जे निकालेंगे तो जीरो, और के क्रॉस के निकालेंगे तो जीरो। तो इसलिए यहाँ पर भी रिजल्ट ध्यान देने वाली है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के स्कल टू जीरो आएगा। जबकि उस वाले में क्या था, आई डॉट आई स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे, तो आई डॉट आई के डॉट के और जे डॉट डेट क्या होता था, वन होता था, और अगर आई डॉट जे करते थे तो जीरो आता था, ठीक ना। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में इसी की वैल्यू अगर डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं यहाँ पर तो वो वन हो जाता है, ठीक ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इस तरह हमारा होता है, ठीक। चलिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने ऐसे सर्किल बना दिया, ठीक, यहाँ पर लिख दिया आई, इसके बाद जे कैप, इसके बाद के कैप, ठीक ना। तो क्या चलेंगे, आई से जे, तो क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे कहाँ जाएगा, के के बराबर। तो मैंने लिख दिया आई क्रॉस जे के, आई से जे के इक्वल हो जाएगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल हो जाएगा, के क्रॉस आई जे के इक्वल हो जाएगा, बस समझ आया। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और इसी को अगर हम ऐसे सर्किल बना दें, इसको से बोल दें आई जे और के, ठीक। क्या था, आई क्रॉस जे माइनस के, जे क्रॉस के माइनस आई, और के क्रॉस आई माइनस जे हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला माइनस के रूप में लिख सकते हैं और ये वाला प्लस के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। हाँ एक और, कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर हो, कहाँ लिखे, इधर लिख दें, दो वेक्टर का मेरा परपेंडिकुलर हो, जैसे ए वेक्टर, शायद इसको मैंने अभी बताया भी था, नहीं बताया था, नहीं बताया होगा, ठीक है। ए वेक्टर है ओ ए, ओ बी कह सकते हैं, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा होगा, और यूनिट वेक्टर एन करेंगे तो ये ए के बराबर होगा, ये बी ए के बाद साइन थीटा, ये बी के बराबर होगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ए और बी का जो अगर दूसरे के बीच 90 डिग्री का हो तो उसके बीच क्या बनेगा, ए बी होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। बस आया, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर रहेगा तो ये कंडीशन हमारा बन सकता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे देखते हैं, शायद भर गया अभी। दो वेक्टर हमने लिया, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के, ठीक ना।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है आपका वेक्टर का। रेक्टेंगुलर टर्म कंपोनेंट वेक्टर का मैंने बताया था आपको कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ऐसे, ठीक ना, और अगर ये ए वेक्टर हो तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, ए एक्स और ए वाई। बी रहेगा तो एक्स बी एक्स और बी वाई से करके मैंने आपको बताया तो याद होगा। तो यहाँ मैंने थ्री एक्सिस पे ले लिया, एक्स वाई जेड में ले लिया है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, और ये बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ठीक, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, पहले इस वेक्टर को ए एक्स आई ए वाई जे एन ए जेड के क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, इस तरह निकलेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इस सबके साथ मल्टीप्लाई, फिर ए वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के वाला ए जेड के का मल्टीप्लाई हम सबके साथ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स बी एक्स क्या हो जाएगा आई क्रॉस आई, तो इस तो टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा आई क्रॉस आई वाला। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि सब आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के जीरो होगा, बस जो डिफरेंट वाला है उसी के यहाँ कंसिडर करेंगे ना हम। ठीक, तो क्या बनेगा, हम यहाँ क्या लेंगे, चलिए एक बार लिख ही देते हैं। प्लस क्या हो जाएगा ए एक्स हाँ बी वाई आई क्रॉस जे प्लस, काफी लंबा जाएगा ये। ठीक, तो इसमें क्या क्या जीरो होगा आपका टर्म, देखिए ये टर्म जीरो हो गया और ये बी वाला जे क्रॉस जे जीरो हो गया, फिर इधर से के क्रॉस के जीरो होगा। क्या बचा मेरा यहां पर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जाएंगे तो के कैप होगा, प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जाएंगे तो माइनस जे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप, प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स क्या होगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो फिर क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर जाएगा माइनस के। ओके, ये तो मेरा जीरो हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के क्या होगा आई होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्यों विवेक, ए एक्स सॉरी ए वाई बी एक्स के क्रॉस आई जे हो जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस हो जाएगा माइनस आई, इस तरह होगा। अब आई वाले टर्म के साथ लेते हैं, तो देखिए ये हो गया, ये वाला है ना आपका ये ए वाई बी जेड माइनस यहाँ से ए जेड बी वाई इक्वल टू आई, ऐसे होगा प्लस, फिर जे वाला जहाँ जे कैप है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, पहले इसको लिखते हैं ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई क्या हो जाएगा जे कैप, और लास्ट में के कैप लिखते हैं तो हो जाएगा प्लस ए एक्स बी वाई के माइनस ए जेड बी वाई और ए वाई, अच्छा यहाँ पर और यहाँ पर है क्या, तो ए एक्स और बी वाई और ये हो गया बी ए वाई और ए वाई और बी एक्स के, इस तरह आपका रिलेशन बनेगा क्या ए क्रॉस बी का, समझ में आ रहा है बात। इसको एक और तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीका यह है कि हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट चूंकि अभी आप पढ़े नहीं हैं क्लास 11th के मैथ, अगले क्लास के 12th में मैथ में पढ़ा जाएगा, तो ये जो दो लाइन खींचते हैं इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। फिलहाल आप इसको डिटर्मिनेंट जान लिया, या फिर ये जान लिया कि दो हमने लाइन खींचा और हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा आई जे और के ऊपर लिख लेंगे, इसके बाद ए के पास जितने हमारे ये कंपोनेंट्स हैं क्या हो जाएगा ए एक्स ए वाई
एंड ए जेड, और बी का लिखेंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, इस तरह लिखेंगे इसको, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट करिए, तो हम इसे सॉल्व करके बताते हैं कितना होगा। प्रॉपर्टी में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका था, हम लोग पढ़ रहे थे कि दो वेक्टर हो, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई से प्लस ए जेड के, एंड बी वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो अभी हमने देखा था कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, और साथ ही साथ इसको हम डिटर्मिनेंट के आधार पर भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट होता है, जो आपको हर क्लासों में 12 में पढ़ाया जाएगा। इस तरह दो हम लाइन दोनों तरफ रेक्टेंगुलर लाइन खींच देते हैं, ठीक। इसके बाद सबसे ऊपर लिखते हैं आई जे कैप एंड के कैप, यहाँ पर लिखते हैं ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, और ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अभी इस पर क्वेश्चंस में हम कराएंगे तो क्लियर होगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई लिखते हैं ए क्रॉस बी, हम आई लिखते हैं, इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। आई के सामने वाला ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको कॉलम बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको रो बोलते हैं। तो आई के सामने वाले कॉलम और रो को छोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या बचेगा मेरा, यही चारों बचेगा कि ना। तो हम लिखेंगे ए वाई ए जेड बी वाई और बी जेड, इसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर आप जे का नंबर आएगा। तो जे के सामने वाले कॉलम और रो को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, ठीक। तो आपको 1 2 3 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स एंड बी जेड, इसके बाद प्लस के कैप, ये याद रखिएगा। एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और क्या करेंगे, के के सामने वाले कॉलम और रो को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये चार रो बचेगा, तो ये हो जाएगा ए वाई सॉरी ए एक्स में ए वाई एंड बी एक्स एंड बी वाई, ये होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक ना। इसमें इसका माइनस लगा के फिर इसमें इसका, फिर यहाँ पर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा कर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आया, क्या लिखेंगे, ऐसे आई का क्या लिखेंगे, ए वाई बी जेड मल्टीप्लाई माइनस ए जेड बी वाई, बी वाई है ना, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप स्कल टू ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, है ना। ये आपका रिजल्ट होगा, या आई को चाहो तो आप यहाँ लिख दो, जे को यहाँ लिख दो, के को इसको उधर लिख दो, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा आसान होता है, जो मैंने पिछला वाला अभी बताया इसमें काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन चला गया था, है ना। ए वाई लास्ट वाले में ए ए वाई बी एक्स, अच्छा हाँ ये ए वाई बी एक्स है, इसमें इस साइड होगा, इस साइड में लिख सकते हैं ए वाई बी एक्स, ये बात समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए। मैंने अभी बताया कि ए क्रॉस बी का अरे क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपको हो जाता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा होगा। और यहाँ से अगर साइन थीटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इस तरह हम कॉस सॉरी साइन कॉस थीटा नहीं है साइन थीटा ये, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ठीक। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, इसको भी दो लाइन में से क्या करेंगे हम घेर देंगे, ठीक। और फिर अंडर रूट का फार्मूला लगाकर हम जैसे पिछले डॉट प्रोडक्ट में बता रहे थे उस तरह इसका भी मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। बात समझ में आया? तो इसे नोट करिए। तो फिर चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पे।